दोस्त ये जैबरोनी का ब्लूटूथ स्पीकर रिपेयर होने के लिए आया है। तो इसमें क्या है, जो इसका जैक होता है जिससे बैटरी चार्जिंग होती है वो उसका टूट चुका है अंदर से। ऊपर का जो कवर है वो तो है चार्जिंग का, अंदर का जो जैक होता है जिसमें पिन होती है बनी हुई वो टूट चुका है। तो दोस्तों इसमें चार्जिंग पोर्ट नया लगाएंगे, चार्जिंग जैक। तो मैं आपको बताते हैं किस तरीके से आपको उसमें चार्जिंग जैक लगाना है, तो आप वीडियो में मेरे साथ में लास्ट तक बने रहे। सबसे पहले आपको यहाँ पे दो पेंच लगे होते हैं दोस्तों, ये खोल लेने हैं दोनों पेंच। और दोनों पेंच खोलने के बाद आप इसको आराम से ऐसे निकाल लोगे तो आराम से निकल जाता है, देखो जैसे मैंने इसको निकाल दिया। और यहाँ पे इसमें ये बैटरी का कनेक्टर इसमें लगा हुआ है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला बैटरी का है और ये वाले इसमें दोनों ये स्पीकर के हैं। तो इनको बाहर निकाल लेते हैं, कनेक्टर को आराम से बाहर निकाल लेंगे। देखो ये बैटरी का मैंने कनेक्टर निकाल दिया, फिर आपको एक ये निकाल देना है और ये वाला भी निकाल देना। आपको याद रखना है कौन सा कनेक्टर कहाँ पे था, उसी तरीके से आपको लगा देना है। देखो ये बैटरी लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे B-B+, तो बैटरी कनेक्टर था हमारा, ये वाला बैटरी कनेक्टर है, तो आपको यहीं पे लगाना है। तो देखो दोस्तों इसका जैक भी यहीं पे होगा, देखो जो अंदर की जिसकी पिन थी, देखो ये टूटा पड़ा हुआ है, ये पूरा ख़राब हो चुका है। अब इसमें नया जैक लगाएंगे, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे मेरे साथ में। इसको आराम से आपको निकाल लेना है प्लेट को, जो इसका बोर्ड है स्पीकर का, ये चिपका हुआ है, इसमें कुछ नहीं है दोस्तों लगा हुआ, यहाँ साइड से चिपका हुआ था इस तरीके, इस जगह से, इस जगह से। तो ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका जैक लगा हुआ यहाँ पे। तो हम इसको उतारेंगे, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको उतारना है, आसान है बिल्कुल उतारना, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास में 35 वाट का आयरन है, तो हम आयरन की मदद से दोस्तों इसको उतारेंगे। आपको क्या कर लेना है, बिल्कुल आसान है, आपके पास में हॉट गन हो या ना हो आप उसके बिना भी इसमें से उतार सकते हो उसको जैक को, क्योंकि उसको उतारना मुश्किल होता है दोस्तों, ये आसानी से उतर नहीं पाता। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो किस तरीके से हमें उतारना है इसको। आपको क्या करना है, देखो उसको जैक को गर्म कर लेना है अच्छे से, देखो मैं इसको जैक को बहुत अच्छे गर्म कर दूंगा, ये देखो आराम से बाहर निकल जाएगा। देखो दोस्तों कितनी आसानी से बाहर निकल चुका है, कोई पिन नहीं फटा, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल आसानी से बिल्कुल बाहर निकल चुका है। और अब हमारे पास में है ये डिसोल्डर वायर, देखो डिसोल्डर वायर है, तो हम इस पर हल्का सा पेस्ट लगा लेंगे डिसोल्डर वायर पर और इसको आयरन की मदद से साफ़ करेंगे। तो मैं इस पर डिसोल्डर वायर पर हल्का पेस्ट लगा लेता हूँ और अब आपको मैं दिखा देता हूँ, देखो किस तरीके से आपको उसको साफ़ करना है, जो उसमें जहाँ पे जैक लगेगा, देखो जिसके होल होते हैं वो बंद हो चुके हैं। यहाँ पर आगे की साइड देखो दोस्तों, यहाँ पे एक यहाँ पे होल है, एक यहाँ पे होल है, यहाँ पे तो इसमें होल नहीं है, तो ये दोनों तो यहाँ पे तो इसमें पीछे प्रिंट है, जो जैक के प्रिंट होते हैं उनमें ये सोल्डिंग हो जाएगी, बाकी यहाँ से आपको साफ़ कर देना है। तो मेरे पास में डिसोल्डर वायर है, तो डिसोल्डर वायर की मदद से हम इसको साफ़ करेंगे दोस्तों। देखो इसके होल एकदम से साफ़ हो जाएंगे डिसोल्डर वायर की मदद से, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा अच्छे साफ़ कर देना है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, एकदम से देखो साफ़ हो चुके हैं जितने भी प्रिंट थे इसके, होल भी इसके साफ़ हो चुके हैं। तो अभी हम इसमें जैक लगाएंगे, तो मैं आपको जैक दिखा देता हूँ कौन सा है हमारे पास में जैक। ये देखो ये मेरे पास में जैक है, ये मोबाइल वाले की शॉप से आपको आराम से मिल जाएंगे, जो भी आपके स्पीकर में लगाओ वो वाला आपको जैक ले लेना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉडल आते हैं, तो आपको वो वाला जैक लेना है जो आपको इसमें लग जाए। तो देखो इस वाले इसमें ये वाला जैक लग जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको 4 से 5 रुपए का जैक मिल जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता। ये देखो यहाँ पे इसमें पीछे सोल्डरिंग हो जाएगी इन दोनों पिनों में, और यहाँ पे आगे इसमें जो मैंने पिनें साफ़ किए जहाँ से सोल्डर निकाली है तो वहाँ पे लग जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो बिल्कुल आसानी से इसमें लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक पिन इधर से लगाएंगे, एक इधर से लगाएंगे, तो उसमें आराम से फंस जाएगा, देखो ये बिल्कुल लग चुका है आराम से। और इधर से भी आपको दिखा देता हूँ, देखो इसके यहाँ पर पिनें बाहर निकल चुके हैं ऊपर, मतलब पीछे की साइड में। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सोल्डरिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें पीछे की साइड सोल्डरिंग करेंगे, यहाँ पे आप चाहो तो आगे की साइड पिनों पर भी कर सकते हो, यहाँ पे भी आप सोल्डरिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे भी कर सकते हो पीछे की साइड से इसमें आराम से सोल्डर लगा के। तो इस पर देखो थोड़ा पेस्ट लगाएंगे, तो देखो यहाँ पर हल्का पेस्ट लगाएंगे दोस्तों, ये देखो यहाँ से अच्छे से तो हो चुका है, इस पर सोल्डर हो चुका है अच्छे से। आपको हल्का सा गर्म कर देना है जिससे सोल्डर नीचे तक पहुँच जाए, नहीं तो फिर जैक आपका फट जाएगा दोबारा से, फिर आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो अब क्या करेंगे, देखो हल्का पीछे से इससे प्रेस करेंगे, दबाएंगे, दबाने के बाद इसमें जिससे कि हल्का आ जाएगा, अगर पीछे होगा तो ये ऊपर की साइड आ जाएगा, अपनी जगह पर पूरा आ जाएगा। तो दोस्तों देखो यहाँ से तो हो चुका है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो पीछे की साइड से मैंने इस पर सोल्डर कर दिया, और मैं आगे की साइड से भी कर देता हूँ इस जगह से। तो इस साइड इस वाली लैग पे मैंने सोल्डर कर दिया, और अब दूसरी लैग पे सोल्डर करेंगे। हल्का पेस्ट आपको लगा लेना है, जहाँ पे भी टाका लगाओ वहाँ पे पेस्ट लगा लेना है आपको पहले, देखो।
तो देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ पे भी शोल्डर हो चुका है और यहाँ पे भी शोल्डर हो चुका है। और अब हमारी रहेगी ये वाली पिन है, यहाँ पे एक पिन यहाँ पे एक यहाँ पे प्लस माइनस। तो मेरे पास में सबसे छोटा आयरन है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये छोटा ये 8 वाट का आयरन है दोस्तों मेरे पास में। तो 8 वाट का आयरन से मैं अब इसमें पीछे की साइड सोल्डिंग कर दूँगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत पतले वाला है, बहुत बारीक है, तो उसमें आराम से, क्योंकि कोई आपस में पिन टच नहीं होने की इसकी, ये अच्छे तरीके से यहाँ पर शोल्डर हो जाएगा। आपको लगा पेस्ट लगा लेना है, पेस्ट लगा के तभी टाँका सही लग पाएगा। एक तो सबसे पहले वाली पिन होती है दोस्तों, ये प्लस की है इधर वाली पिन, और इधर वाली माइनस की है, दो पिनें होती है बस की मेन, बाकी तो आप पिन लगाओ या ना लगाओ, बस आपको दो पिनें लगा लेनी है, इधर वाली प्लस इधर वाली माइनस। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखो थोड़ा साफ़ करके मैं आपको दिखा दूँगा इसको, जिससे आपको थोड़ा क्लियर दिख जाए। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो जो बीच में तीन पिन है, ये तो मैंने सोल्डरिंग की नहीं है, पहले वाली पिन और इधर वाली पिन है लास्ट वाली, ये हमारी इधर प्लस है इधर माइनस है। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि ये हमारा चार्जिंग जो है हो रहा है कि नहीं, सही लग चुका है कि नहीं हमारा जैक, हमारा बैटरी का कनेक्टर ये था। आपको याद रखना है बैटरी का कनेक्टर कौन सा था। अब देखते हैं चार्जिंग होता है कि नहीं, जस्ट उसमें तो देखो उसमें रेड लाइट जल चुकी है, और मैं आपको हिला के भी दिखा सकता हूँ, देखो कोई टाँका उसमें लूज नहीं है, क्योंकि अगर लूज रहता तो एकदम से हिल जाता। देखो मैं आपको दोबारा से फिर दिखाता हूँ, देखो चार्जिंग हो रहा है दोस्तों। आप इसमें आराम से चेंज कर सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से, क्योंकि मेरे पास में जो आयरन है वो बहुत ज़्यादा हीट होता है, 35 वाट का आयरन है मेरे पास में, तो उसकी मदद से जैक एकदम से निकल जाता है गर्म होकर। आपको इसमें हॉट गन की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि इसमें एयर मारेंगे और फिर एयर मारने की हॉट एयर मारेंगे और ये फिर जैक निकलेगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको आयरन ले लेना है 35 वाट का, आप उससे भी आराम से निकाल सकते हो, बड़े आयरन की मदद से ऊपर आप सोल्डरिंग करोगे तो पूरा गर्म हो जाता है, आराम से बाहर आ जाता है, पूरे पिन गर्म हो जाते हैं। तो देखो दोस्तों ये आराम से बिल्कुल निकल चुका है, तो ये जिसके पिंट थे ये वाले मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो सिर्फ मैंने दो ही लैग इसकी कनेक्ट किए, और यहाँ पे भी देखो ये पूरा शोल्डर हो चुका है, क्योंकि अगर शोल्डर अच्छे से नहीं होगा, आपको आयरन अच्छे गर्म कर लेना है, अगर आयरन आपका अच्छे गर्म नहीं होगा तो क्या होगा कि सही से आपका जैक लग नहीं पाएगा, जैक इसीलिए जल्दी फट जाता है क्योंकि सही से गर्म नहीं होता आयरन, और आप उस पर टाके लगाते हो तो फिर निकल जाता है बाहर। तो मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों, और मैं आपको उसको चला के भी दिखा देता हूँ बंद करके, जिस तरीके से हमने निकाला था उसी तरीके से उसको लगा देंगे। ये हमारा पूरा कनेक्टर निकल चुका था बाहर, ठीक है निकल जाता है दोस्तों बाहर निकल जाता है, मैं इसको लगा दूंगा। आपको याद रखना है अगर निकल जाए तो किस तरीके से लगा होता है, अगर आपने दूसरी बदल के लगा दिया तो आपकी प्लस माइनस उल्टी हो जाएगी बैटरी की और आपका कार्ड खराब हो जाएगा। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको ये लगा लेना है, इसमें दो स्पीकर की वायर है दोस्तों, दोनों लगा देनी है। तो देखो मैंने दोनों वायर लगा दी और मैं इसको करता हूँ ऑन, देखो ये ऑन हो चुका है, और मैं इसको बजा के आपको चेक करा देता हूँ। अभी इसकी बैटरी लो दोस्तों, मैं थोड़ा चार्जिंग पे लगा देता हूँ उसको, दोस्तों देखो आपका आवाज आई होगी, ये स्पीकर रेडी हो चुका है, इसमें जैक की प्रॉब्लम थी, जैक हमने इसमें नया लगा दिया। आपको जानकारी किसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।